गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हुआ आज का दिन आ गया निधि, हमारे ट्रैवल करने क्यों का फिर और मैं गया उम्मीद करती हूँ कि आप सब ये लोग बहुत शिकायत अच्छे होंगे। राज के हाथ में, और इसीलिए ये लड़की वहां खड़ी है। इसको लग रहा है कि बस मुझे मेरे फ्रेंड्स के पास लेके जाओ। लूसी, लूसी मेरे से तो मिल ले। लूसी, हाँ, बदलते रिश्ते। हाँ, सी गाइस हाउ शी इज वेटिंग फॉर द लिफ्ट। ये सारी परिक्रमा करा देगी आपको। बाय रीटा, तो जी हमारी तैयारियां हुई पूरी और चल पड़े हैं हम एयरपोर्ट की तरफ। पूरे रास्ते राज ने और वो जो ड्राइवर भैया ने इतनी बातें की हैं, पता नहीं क्या सुख दुख सांझे करने में लगे हुए थे दोनों। मुझे तो आधी चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ये ड्राइवर भैया क्यों कर रहे हैं राज से इतनी बातें। और राज भी कम नहीं है, पूरी सलाहें दे रहे हैं उन्हें आंटियों की तरह, वो जो बैठ जाती है ना बाहर उनकी तरह। Finally, we are at the airport and we are heading towards departures. तो हमने सामान उतार लिया है और हम जा रहे हैं थाईलैंड। हम पहले भी जा चुके हैं पर व्लॉगिंग के पर्पस से ये हमारा फर्स्ट ट्रिप होगा। सो, आप लोग बने रहिए। अब यहाँ से अंदर जाने के बाद राज के साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि राज का था नया पासपोर्ट और कस्टम्स ने सोचा कि ये भाई साहब ने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया, जबकि राज ऑलरेडी ऑल अराउंड द वर्ल्ड 10 कंट्रीज से ज़्यादा घूमे हुए हैं। तो बस कस्टम्स वाला ने कहा, आओ भाई चाय पिए। चलो जी, कस्टम्स वालों ने तो छोड़ दिया, 5 मिनट भी नहीं लगाए। मैंने कहा ये सब चीज़ें वहीं देख लेते, पर कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हम ड्यूटी फ्री आ गए हैं और हमारा टाइम कंस्ट्रेंट हो गया, मतलब टाइम हमारे पास कम बचा है, तो अब हमें जल्दी से भागना पड़ेगा। हमारा जो बोर्डिंग गेट है वो है 14A और इस टाइम है हम ड्यूटी फ्री पे। सो लेट्स रन। मैं वीडियो बनाने में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया और आराम आराम से चल रही थी, फिर पड़ी राज से एक करारी डांट और हम भागे। और इस ट्रिप में एक और भी ब्लंडर हुआ जिसमें कि हमारा जो गेट था वो था 14A, बाद में उसे चेंज कर दिया 4A पे और कुछ पता भी नहीं था। हम पहुंच गए 14A, वहां से पता चला जी जाइए जल्दी 4A पे, तो फिर से भागे। चलो अब बस में तो बैठ गए हैं और जा रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। देखने में तो ये प्लेन कोई टॉय प्लेन जैसा ही लग रहा था। सोचा
आ ही गए, अब जाना तो पड़ेगा ही। सो लेट्स सी। लो जी, ये है एयरबस, जो कि छोटू सा प्लेन होता है। सभी को पता है जो एग्जिट रूम में बैठते हैं उनको एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इवैक्यूएशन के टाइम पे ये करें वो करें, जो आम आदमी को डरा सकता है। शुक्र करो साफ तो है, इससे ज़्यादा बड़ी खिड़की की ज़रूरत क्या है। ये टॉय प्लेन है राज। सो हेलो जी, ए प्लेन पजिया 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 पेंदिश की ए उड़ गया। तो हमारा प्लेन बादलों के बीच में से गया, जिसकी वजह से टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, बट ठीक है, ओवरऑल इट्स नाइस एक्सपीरियंस। बल्कि लोगों ने तो बैठते ही ड्रिंक्स मांगने शुरू कर दिए थे, और क्रू ने बोला कि इट विल टेक टाइम, आप कोई आंखें बंद करके बैठा है, कोई कुछ करके बैठा है, सबका अपना अपना तरीका है ट्रैवल करने का। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे रहेंगे और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। इसी तरीके से अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और यूट्यूब फैमिली को और बड़ा कर दीजिए। थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैव अ ग्रेट डे।